दोस्तों आगे को मैं टेक्निकल वीडियो लेकर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे यदि आप भी आपका भी कोई जीमेल अकाउंट है ईमेल आईडिया का है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आज आपके लिए। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किसी की भी कोई भी फ़ोटो कैसे मेल करें। कोई भी आपके पास आता है कि भाई ये मेरा फ़ोटो मेल कर दीजिए, मेरा डॉक्यूमेंट है इस दूसरे आईडी पर मेल कर दीजिए, तो फ्रेंड्स यही इसी परेशानी को देखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है कि एक ईमेल आईडी से दूसरे ईमेल आईडी पर फ़ोटो को कैसे भेजा जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट कैसे सेंड किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपना कोई भी डॉक्यूमेंट फ़ोटो आप अपने मेल आईडी पर दूसरे मेल आईडी पर कैसे सेंड करें। तो फ्रेंड्स इसके लिए बस आपको हमारा वीडियो पूरा देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, सरल एवं आसानी तरीके से बताएंगे। तो फ्रेंड्स मैं हूं प्रिंस यादव, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रिंस भैया में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई आने वाली टेक्निकल और इंटरेस्टिंग वीडियो है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपनी ईमेल आईडी से किसी दूसरे ईमेल आईडी पर अपना कोई भी फोटो या वीडियो या मैसेज या कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट आप दूसरी ईमेल आईडी पर कैसे भेजते हैं। क्या होता है कि फ्रेंड्स जब भी कोई आपके जीमेल अकाउंट पर किसी भी को मैसेज भेजना होता है, किसी को फ़ोटो भेजना होता है, किसी की डॉक्यूमेंट कोई भी भेजना होता है, भाई कहता है कि भाई ये मेरा फ़ोटो मेल कर दीजिए, तो आपको तो नॉलेज नहीं होता कि भाई ईमेल कैसे होता है, कोई भी फ़ोटो दूसरी ईमेल आईडी पर कैसे भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स इसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। आज के इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि अपनी ईमेल आईडी से किसी दूसरी ईमेल आईडी पर जीमेल आईडी पर कोई भी फ़ोटो या डॉक्यूमेंट कैसे भेजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए, हम स्टेप बाई स्टेप बताएंगे। फ्रेंड्स मैं हूँ प्रिंस यादव, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रिंस भैया में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऐसे टेक्निकल वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स फर्स्टली आपको अपना ये देखिए, फ्रेंड्स आपको एक अपना जीमेल अकाउंट बना लेना चाहिए। अगर आपको जीमेल अकाउंट नहीं बनाने आता है तो फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ से आप कैसे जीमेल आईडी बनाया जाता है एकदम स्टेप बाय स्टेप सरल एवं आसानी तरीके से बताया है कि आप अपना जीमेल आईडी कैसे बनाएं अपनी, वो भी अपने मोबाइल में। तो फ्रेंड्स वो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाकर देख लें, अगर आपको जीमेल आईडी नहीं बनाना आता है तो फ्रेंड्स नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये रहा मेरा वीडियो जीमेल अकाउंट कैसे बनाएं, यहाँ से ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अगर आप जीमेल आईडी नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा, तो अगर आप बनाए हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप ईमेल अकाउंट जीमेल आईडी आप बना लेंगे तो यहाँ आपको ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं हर वीडियो में कहता हूँ क्रोम ब्राउज़र में आपको जाना होगा, इसके जस्ट बगल आपको जीमेल आईडी का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स जीमेल का ऑप्शन दिख रहा होगा, जीमेल का आइकन दिख रहा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स क्रोम के जस्ट बगल आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ये देखिए तो फ्रेंड्स मैं जीमेल पर क्लिक करता हूँ, जैसे आप जीमेल आईडी पर जाएंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स जीमेल पर क्लिक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का मेरा जीमेल आईडी यहाँ ओपन हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा जीमेल अकाउंट यहाँ ओपन हो गया। अब फ्रेंड्स आपको किसी दूसरे ईमेल जीमेल पर कोई भी फ़ोटो या डॉक्यूमेंट या वीडियो भेजना है तो उसके लिए फर्स्टली आपको यहाँ पेंसिल का आपको आइकन दिख रहा होगा कंपोज। ये देखिए फ्रेंड्स कंपोज आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरा ईमेल अकाउंट है, आप किसे भेजना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी आपको यहाँ से डालना होगा, यहाँ आपको लिखना होगा। तो चलिए मुझे जिस पर भेजना है उसका ईमेल आईडी यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मुझे जिस पर भेजना है उसकी ईमेल आईडी मुझे याद है, ये देखिए फ्रेंड्स मैं उसकी ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने उसकी ईमेल आईडी डाल दिया। ये देखिए फ्रेंड्स अगर फोटो लगा होगा उसकी ईमेल आईडी में उसका फोटो आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स मुझे क्या भेजना है, फोटो या वीडियो या डॉक्यूमेंट जो भी आपको भेजना है यहाँ आपको लिख देना है। तो मैं आपको कोई भी एक फ़ोटो सेंड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स फ़ोटो, ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने फ़ोटो सेंड किया। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ आपको कंपोज के जस्ट बगल ये वाला आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको एक अटैच फाइल इंसर्ट फ्रॉम मीडिया ड्राइव, तो आपको अटैच फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप अटैच फाइल पर क्लिक करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स आपके जो मोबाइल में यहाँ आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको यहाँ आपको एल्बम पर क्लिक कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे आप एल्बम पर क्लिक करेंगे आपको जो भी कुछ भेजना है आपको यहाँ से शो कर रहा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स कैमरा वीडियो
फेसबुक, व्हाट्सएप इमेज, व्हाट्सएप वीडियो, इंस्टाग्राम का जो भी आप भेजना चाहते हैं, तो मुझे फ़ोटो भेजना है तो मैं यहाँ से फ़ोटो कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे कोई एक फ़ोटो मैं सेंड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे यही भेजना है तो मैं यहाँ से सेंड करके, जहाँ से मैं यहाँ से कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट किया था, यहाँ जस्ट बगल आपको इसका ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगी, ये देखिए फ्रेंड्स, मिडिल वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर बीच वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, सेंडिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स सेंड, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको सेंड किया था, जिस पर मैंने ईमेल आईडी पर सेंड किया, वो देखिए सेंड हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने सेंड किया यहाँ आपको दिख रहा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, चला गया जो मैंने अपना फ़ोटो सेंड किया, वो चला गया। ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स मैं कोई वीडियो आपको सेंड करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कंपोज है, पेंसिल वाला आइकन पर आपको फिर से क्लिक करना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पर क्लिक किया तो यहाँ जिस ईमेल आईडी पर आपको भेजना है, यहाँ उसका ईमेल आईडी आपको डालना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं डाल दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कोई वीडियो सेंड करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप वीडियो भी सेंड करते हैं, यहाँ आपको अटैच फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो सेलेक्ट करना है तो फिर से आपको एल्बम पर आ जाना है। एल्बम पर आ जाने के बाद आपको, ये देखिए फ्रेंड्स, आपका जो वीडियो हो, जहाँ पर हो दिया, तो यहाँ आपको बीच वाले आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कर देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, सेंडिंग हो रहा है। जो आप सेंड किए होंगे यहाँ आपको सेंड पर आपको दिख जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ से सेंड किया, ये देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने फ़ोटो सेंड किया, उसके बाद मैंने वीडियो सेंड किया। यहाँ मैंने मेरा फ़ोटो दिख रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने फ़ोटो सेंड किया, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो वीडियो सेंड किया, यहाँ वीडियो दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप किसी भी दूसरी ईमेल आईडी से, किसी भी जीमेल आईडी से दूसरे जीमेल आईडी पर अपना फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ऐसे टेक्निकल वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल को, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम फ्रेंड्स।